हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे फेसबुक अकाउंट यदि डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको थ्री लाइन दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे थ्री लाइन पे टच करना है। टच करने के बाद में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करोगे, देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेटिंग दिखाई दिया, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही टैप करते हो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। आप नीचे देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है। ये सारे ऑप्शन देखने के लिए है, लेकिन आपको सबसे ऊपर आओगे तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है निजी और अकाउंट की जानकारी, तो यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, चलिए मैंने टैप कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे निजी और अकाउंट की जानकारी के लिए यहाँ पे पेज खुल चुका है। उसके बाद में सबसे नीचे देखोगे देखिए यहाँ पे अकाउंट की जानकारी और इस पर कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलने वाली प्रक्रिया और डीएक्टिवेट और डिलीट करना, तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन फिर खुल के आ गए। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट करने के लिए, और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो अकाउंट डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टैप कर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पे टिक लगा देना है। यदि अकाउंट डिलीट करना है परमानेंट तो इस पर टिक लगाना है, और उसके बाद में यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में ये फिर पूछेगा आपसे सवाल, तो आप किस कारण से करना चाहते हैं, लेकिन हमने तो अकाउंट डिलीट करना है, तो यहाँ पे नीचे सबसे टिक कर देना है। तो जैसे ही टिक करते हैं यहाँ पे फिर ऑप्शन आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे ही नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे नीचे ही नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से अकाउंट डिलीट करें, यहाँ पर टैप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड है उसको यहाँ पर भर दीजिए और जारी रखें। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो इस अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करें, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपका अकाउंट सफलतापूर्व डिलीट कर दिया गया है, और आपको 3 दिन तक लॉगिन नहीं करना है, वरना आपकी आईडी सर्च में आती रहेगी।